3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में महिलाएं 9 दिनों का व्रत रखती हैं और माता के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करती हैं। वहीं व्रत के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान होता है। खासकर महिलाओं को बहुत से नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजा पाठ, मंदिर आने जाने से लेकर व्रत करने की मनाही होती है। ऐसे में हर महिला के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि पीरियड्स के दौरान व्रत रखना चाहिए या नहीं। वहीं कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान भी कंफ्यूज होती हैं कि वो नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखना चाहिए या नहीं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को व्रत रखने से बचना चाहिए, लेकिन अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीरियड्स के दौरान मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मन में भगवान के लिए शुद्धता सबसे जरूरी है, इसके बाद ही शारीरिक शुद्धता आती है। इसलिए जो महिला व्रत रख रही है और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसी महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। वहीं अगर कोई महिला व्रत के दौरान किसी विशेष पूजा का संकल्प लेती है और उस बीच पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में महिलाओं को दूर बैठकर ही किसी अन्य व्यक्ति से ही धार्मिक कार्य करवाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी महिला को व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में महिलाओं को फिर भी व्रत के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ का कोई भी सामान और माता रानी की कोई भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वही नवरात्रि से पहले अगर आपके पीरियड्स हैं और आप व्रत रखना चाहती हैं तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप व्रत ना रखें। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आप ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि का जोड़ा व्रत रख रहे हैं और पीरियड्स में हैं तो ये व्रत रखने से बचना चाहिए। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए तो जोड़े के 2 व्रत रख सकते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप हो सके तो प्रेगनेंसी में ज्यादा देर तक उपवास ना रखें। लेकिन अगर आप फिर भी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहें और फलहार जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।